नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक मतलब रियल्टी इंडस्ट्रीज के ऊपर, और जो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर, रियल्टी बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी हाल ही में पिछले सालों में ही लिस्टिंग हुआ था, और तब से लेकर कंपनी में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था, एक शानदार तेजी देखने को मिला था। फिर भी स्टॉक के ऊपर फिलहाल के लिए कंटिन्यूअसली जो गिरावट का माहौल जारी हुआ है, वो लगातार लगातार गिरावट चलते हुए है। और देखा जाए तो कंपनी 52 वीक लो भी कर चुके हैं, और जो रेंज बना हुआ है वो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। अगर वो रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल और भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। मैं आपको बहुत बार बोला था इस कंपनी हाई रिस्क ही होगा, मिनिमम कंपनी को लिस्टिंग होने के बाद 1-2 साल तक इसको वॉच करिए, उसके बाद इसके ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। तो आज आप देखेंगे तो इसका हालत क्या है, और क्या सही में इसके ऊपर इस टाइम में निवेश करना चाहिए जब स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, एक अच्छा खासा डिस्काउंट में दे रहा है, क्या निवेश करना सही होगा। तो सब कुछ डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है माइक्रोटेक डेवलपर, जिसको आप लोधा नाम से जानते हैं। तो लोधा, अगर इस कंपनी का मतलब कंपेरिजन देखूँ तो कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, रियल्टी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कंपनी का नंबर 1 नाम यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। फिर भी मैं इसको नंबर 1 नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को नंबर 1 यहाँ पे घोषित किया गया है। फिर भी आपको देखना है क्या इस कंपनी में कितना दम है। तो एक बार आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो लोधा जो ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, पुणे, इस तरीके से जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी काम करते हैं। ग्लोबली मार्केट में और इंडिया के अदर्स स्टेट में अभी तक कंपनी बिजनेस को उतना बड़ा फैला के नहीं रखा। इसका टोटली जो बिजनेस है वो रियलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के ऊपर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे लोधा हो गया, लोधा लग्जरीज हो गया, साथ ही साथ पलावा हो गया, तो सॉरी, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका जो प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे पिक्चर के हिसाब से देख सकते हैं। तो एक सेक्टर के मतलब इस कंपनी का जो वीकनेस है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी कुछ रीजन में काम करते हैं, कुछ जगह पे काम करते हैं, अभी तक मतलब इंडिया के हर स्टेट के ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया। अगर आप देखेंगे माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द रियलिस्टिक डेवलपमेंट, इट इज अमोंग द लार्जेस्ट रियलिस्टिक डेवलपर इन इंडिया विद द, यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सन्स इन MMR मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मुंबई में और पुणे में मार्केट करके रखा है, बाकी स्टेट में उसका अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। देखिए कंपनी को एक मतलब एक्सपेंड करने के लिए, कंपनी बड़ा करने के लिए अलग अलग स्टेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तभी कंपनी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे हाई मेट्रो कैप मेट्रो सिटीज़ के ऊपर, जैसे देखा जाए हैदराबाद सॉरी बेंगलुरु हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, जैसे देखा जाए तो दिल्ली हो गया, जैसे गोवा हो गया, तो इस तरीके से स्टेट के ऊपर वो काम नहीं कर रहा है, इस तरीके से स्टेट के ऊपर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होने के लिए खुद को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है थोड़ा सा कमज़ोरी इस कंपनी के अंदर है, अभी भी कमज़ोरी है। देखिए बिजनेस जब तक बड़ा नहीं होंगे तब उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। किसी भी बिजनेस आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, अगर मान के चलिए आपके पास आपने 2 एम्प्लॉय लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब बिजनेस बड़ा होंगे क्या वो दोनों एम्प्लॉय सब कुछ काम कर देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना, आपको भी एम्प्लॉय बढ़ाना पड़ेगा, आपको भी बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। आपका एक दुकान है तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो दूसरा दुकान, दूसरा गोडाउन आपको लेना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से चीज होना चाहिए था, फिर भी कंपनी ने उस तरीके से चीज अभी तक नहीं किया, तो यही थोड़ा सा मुझे वीकनेस लगा। और साथ ही साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, तो ध्यान से इस डिटेल्स को देखना। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको एक
मान के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 28% का गिरावट देखने को मिला, और 6 मंथ के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 30% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। एक साल में 36% तक लॉसेस कंपनी दिया, और 5 साल में कंपनी कुछ प्रॉफिट तो दिया 35%, उसके बाद क्रैश भी देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न करते तो 35% का पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से लेकर कंपनी धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया था। इसका लो रेंज से हाई रेंज तक देखूँ तो कंपनी आपको 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना आपका रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि 1.5, मतलब 1.5 गुना के आसपास रिटर्न देने के बाद स्टॉक में ऐसा क्या हुआ जो लगातार लगातार गिरावट के माहौल झेलना पड़ा? तो चलो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसको देखने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में जानकारी लेना होगा। तो सबसे पहले कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वार्टर में ही कंपनी के ऊपर इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। क्योंकि अगर अब मैं आपको डिटेल्स दिखा दूँ लोधा के बारे में, तो लोधा यहाँ पर रेड कलर में देखने को मिला है। इसका मतलब ये कंपनी 52 वीक लो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब लगातार लगातार लो करते जा रहा है। मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट के बाद वो इस तरीके से गिरावट के माहौल झेल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पहले कितना ज़्यादा था, 6,900 था, 3,000 था, उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, बीच में थोड़ा सा बढ़ चुके थे और भी कम हुआ। तो हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो कंपनी में अप्स एंड डाउन है, चलो ठीक है इतना तो ठीक ठाक है। तो कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे है? कंपनी का गड़बड़ी यही है, कंपनी का जो कर्जा है पहले भी जितना था आज भी उसी के आसपास है। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव में है, साथ ही साथ यहाँ पे भी नेगेटिव देखने को मिला। पहले नेगेटिव था, उसके बाद कंपनी अच्छा खासा रिकवरी किए, और 2020 सॉरी 22 में भी कंपनी ने क्या किया, लॉसेस किया, और इस लॉसेस के कारण ही स्टॉक के ऊपर एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला। देखिए, कुछ लोग फंडामेंटली फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली ग्रोथ देखकर ही निवेश करते हैं। अगर उसको फाइनेंशियली ग्रोथ ही ठीक नहीं है, जो नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी का लॉसेस है। तो आप कहेंगे सर इस लॉसेस क्या कंपनी किस वजह से किया? देखिए, मैं ध्यान से एक चीज को दिखाऊंगा, कंपनी ने कोई खुद का लॉस नहीं किया। कंपनी का जो सेल्स हुआ था, कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ था, वो हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कोई भी लॉसेस नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 422 करोड़ का प्रॉफिट था, और यहाँ पे कंपनी को कर्जा कितना दिया था, 125 का। इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में थे, तो फिर भी लॉस कहाँ से हुआ? लॉस हुआ कंपनी को अदर्स इनकम में। तो अदर्स इनकम मतलब आप देखेंगे तो अदर्स इनकम में कितना, यहाँ पे 1,177 करोड़ का टोटल लॉसेस हुआ। उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं अदर इनकम नॉर्मल, और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल आइटम्स, तो ये सारे चीज के ऊपर कंपनी का लॉस हुआ। तो लॉसेस होने के वजह क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 35,4,000 करोड़, चलो मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना दिखा रहा है, 43,000 करोड़। इसका मतलब आप जानते हैं कि कंपनी के खुद की हिस्सेदारी कितना है, 34,000 करोड़ का, और कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है कितना, बाकी अमाउंट जो कुल मिलाकर हो जाता है 43,000 करोड़। तो अराउंड अराउंड 10,000 करोड़ वो दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, और यही से उसका गड़बड़ी देखने को मिला, और यही से कंपनी का लॉसेस हुआ अदर्स इनकम में। तो आपको सोचना पड़ेगा एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। वो सोच ना करके ही लोग क्या करते हैं, स्टॉक से भाग जाते हैं, स्टॉक से निकल जाता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जो कंपनी आज 40% तक लॉसेस दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी तक उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, उतना खास भी नहीं है उतना खराब भी नहीं है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग 88% था, आज 75% बन चुके हैं। अब FIS के पास देखिए होल्डिंग पहले कम था, आज ज़्यादा हो चुके हैं। अब DIS के पास होल्डिंग ठीक कम था, अभी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि एक मौका मिल रहा है उसको सस्ते दामों में अच्छी कंपनी खरीदने के लिए। देखिए, कंपनी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंपनी में उतना ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। हाँ, कंपनी में अदर्स कंपनी के ऊपर जो निवेश करके रखा उसमें से लॉस हुआ तो ही लॉस दिखा रहा है, नहीं तो कंपनी का अंदर कुछ लॉस नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट में आपको दिखा चुका हूँ।
तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, स्टॉक के ऊपर जिस तरीके से तेजी हुआ था, मैं आपको एक रेंज दिया था टेलीग्राम में, अगर इस रेंज के नीचे आए तो आपको बिग फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा 650 रुपीज़ के आसपास, मतलब इस लेवल के आसपास। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 422 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है, जो रेंज बन रहा है उस रेंज के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे प्राइस रेंज बता रहा हूँ। ये कोई टारगेट नहीं है, आपको स्टडी पर्पस में लेना है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे लर्निंग पर्पस में मैं हर स्टॉक के चार्ट पैटर्न अपडेट करता रहता हूँ, जहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल देखने को मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है, सब कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। नीचे लिंक्स अवेलेबल है, जाके चेकआउट करिए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है कि नहीं है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।